हेलो एक्सपीरियंस, वंस अगेन वेलकम टू मैन्यूअर होटल मैनेजमेंट चैनल। सो गाइज, जैसे कि आपका जो होटल मैनेजमेंट NCHMCET का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। सो गाइज, अभी आपको फॉर्म फिल करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि आप किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको हैंडी रखने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर फॉर्म फिलिंग, ताकि कोई गलती आपसे ना हो, क्योंकि बाद में अगर इसका एडिट विंडो ओपन नहीं हुआ सो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? सो हम देखेंगे कि कैसे आपको पूरा फॉर्म फिलिंग करना है, ठीक है? सो आपको NCHMCET का जो वेबसाइट है उस पर NCHMCET का जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। जो वेबसाइट है वो है NCHMJEE.NTA.NIC.IN, ठीक है? इस पर करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप यहीं से फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है? सो इस तरीके का आपको होम पेज दिखेगा। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर NCHMJEE 2023, ठीक है? आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, जहाँ पे आपको जो लॉगिन ऑप्शन है और रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, ठीक है? अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको ID पासवर्ड आपको पता होगा, उससे आपको लॉगिन करना है, ठीक है? तो अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको बाकी पर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं करनी, डायरेक्टली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है? आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे देखिए, आपको पूरा ना जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है? कि आपके फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या फीस रहेगी। फॉर जनरल OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट 1000 रुपीज़ है फॉर्म फिलिंग के लिए। EWS के लिए 700 है, SC ST PWD 450 एंड थर्ड जेंडर के लिए 450, ठीक है? सो इस तरीके की जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको फीस एट द एंड ऑफ दिस फॉर्म आपको पे करनी है, ठीक है? और इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं। जब भी आप अपना जो फर्स्ट पेज है हम थोड़ा सा आगे जब देखेंगे सो आपका जो एप्लीकेशन है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आपको ध्यान से उसको सेव करके रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कहीं पे आप लिख के रख सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर पर्पस के लिए हैंडी रहे। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। जैसे ही आप इसको फॉर्म को फिल करोगे या जब फर्स्ट पेज फिल करोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर जो पासवर्ड होगा वो आपको सेव करके रखना है, ताकि वो बाद में आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, हॉल टिकट के टाइम पे एंड देन काउंसलिंग राउंड है उसके टाइम पे भी आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है वो हमेशा आपका एक ही होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको फिर मिलेगा नहीं, घूम जाएगा, देन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म में भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं किस तरीके से आपका जो है, जैसे स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर शुड बी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटोग्राफ का जो साइज है वो 10 KB से 200 KB होना चाहिए, जो सिग्नेचर है आपका वो 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए, ये जो है लिमिट दी हुई है, ठीक है? 4 KB से कम नहीं और 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन कॉपी, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसकी 10 KB से 300 KB, PWD से अगर सर्टिफिकेट आप दे रहे हो तो उसका भी सेम साइज रहेगा, 10 KB to 300 KB। फी पेमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ, जब फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है तो ऑनलाइन जब आप पे करते हो तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वो आपको ध्यान में रख के जो भी है, अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो उसको भी हैंडी आप रख सकते हो। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे वो इस पर्टिकुलर साइज़ में आपको सारे सेव करके पहले ही रख देना, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, ठीक है? 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए आपका, ठीक है? एक उसमें जो अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए कैपिटल लेटर, एक जो लोअर केस अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, नंबरिंग आपका इसमें यूज़ होना चाहिए, और एक जो है साइन होना चाहिए आपका, ठीक है? अगर आपको रीसेट करना है पासवर्ड तो उसी टाइम पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपने हिसाब से डाल देना है और उसका आंसर आपके पास उसको सेव करके रखना है, ताकि अगर आप बाद में पासवर्ड भूल जाओ तो आप इस तरीके से उसको वापस रीसेट कर सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, वेरिफिकेशंस है थ्रू यू नो टेक्स्ट मैसेज ऑन मोबाइल एंड देन जो जीमेल है आपका उससे भी आप रीसेट कर सकते हो। तो ये सारा केयरफुली आपको पढ़ने के बाद जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड, ठीक है? अभी आपका यहाँ पे जो सारे पर्सनल डिटेल्स है वो भरना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप पहले से थोड़ा सा इसको इनिशियली ही ध्यान में रखिए, जो आपका नाम, जो आपका फादर नेम, जो भी आप डालने वाले हो वो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने जो नाम है आपका नाम एंड सरनेम है बट आपके आधार कार्ड पे नेम आपके डैड का नाम और आपके सरनेम है, तो इस तरीके से आपको वैसी गलती नहीं करनी है। अगर आप जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप समझो आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड में जिस तरीके से नाम मेंशन किया हुआ है एग्जैक्टली उसी तरीके से भरना है, नहीं तो फिर बाद में जब आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन करेंगे तो वो नहीं होगा। तो अभी जैसे यहाँ पे आप नाम डाल दोगे, जो भी आपका नाम है,
फादर्स नेम भी आपको वैसे ही डालना है जैसे आपके आधार कार्ड में मेंशन है। मदर नेम आपको जो आपके पैन कार्ड में मेंशन है उसी तरीके से डालना है, अगर आपके आधार कार्ड में है अगर मदर नेम इस तरीके से तो वही डालना है आपको। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो केयरफुली आप डाल सकते हो। डॉक्यूमेंटेशंस के अकॉर्डिंग ही सारे डिटेल्स डालिएगा जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे जब आप अपलोड करने वाले हो उसके लिए ही। अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। ठीक है, सो अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आप पैन कार्ड डाल सकते हो, वोटर आईडी है वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप अगर आप आधार कार्ड डालना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है, तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपके जो आधार कार्ड का नंबर है उसको आप डाल सकते हो, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है। उसके बाद जो आपका एड्रेस है, एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे जो मेंशन एड्रेस है वही डालना है। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डालना है। ठीक है, कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है आपको एंड देन जो भी आपका स्टेट है आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है पहले आप गूगल कर लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है और फिर उसके बाद डालिए। जीमेल आईडी, जो आपका जीमेल आईडी आपके फ़ोन में ओपन है उसको डालना है और जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पहले जीमेल आईडी का पासवर्ड जो है उसको रीसेट कर लीजिए एंड देन फिर इसको फॉर्म को फिल करिए। फ़ोन नंबर जो आपके पास हमेशा जो हैंडी होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है उसी को आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको जीमेल आईडी जो और नंबर है वो दो बार डालना है। ठीक है, अगर आपका जो एड्रेस है वो अगर सेम है, ठीक है, सो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपका अलग अलग है तो आपको फिर अलग अलग डालना है। पासवर्ड आपको सेट करना है जो आप सेव याद रख सको। आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो भी आप केयरफुली उसको आप इसका फोटो ले सकते हो। ठीक है, कि आपने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने रखा हुआ था। ये पासवर्ड डालने के बाद जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो सिक्योरिटी पिन एज इट इज आपको डाल देना है और एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डाली है वो ठीक से रखी है। सबमिट कर देंगे, यहाँ पे आपको एक आएगा ओटीपी। अगर ओटीपी डालने के बाद जब आप कंफर्म करते हो उसके पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है वो फिर से एक बार वेरीफाई कर लेनी है। जो अपने इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वापस वेरीफाई करनी है। जो भी आपने इतने इन्फॉर्मेशन डाली हैं वो फिर से वेरीफाई करनी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना है वन बाय वन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, आपको टिक मार्क देखने हैं कि आपने अपना नाम जो है वो ठीक से डाला है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है काइंडली वेरीफाई ऑल पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नो चेंज विल बी परमिटेड वंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड और एट एनी लेटर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये जो है बाद में चेंज नहीं होगा। फिर आपको एग्री करना है एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी करोगे आपने जो फ़ोन नंबर डाला है उस फ़ोन नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। जो भी ओटीपी होगा आपका उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो ये इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया। आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, आपको इसके बाद यहीं पे ऑप्शन है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, बट इसके पहले ये देखिए आपका एप्लीकेशन जो नंबर है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसका अपने फ़ोन में एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हो या फिर आप लिख के रख सकते हो। आपको ये याद रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में अगर आप ये भूल गए तो फिर रिसेट करना बहुत प्रॉब्लम होती है। पासवर्ड रिसेट कर सकते हो बट एप्लीकेशन नंबर बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो आप इसका फ़ोटो निकाल के या फिर बुक में कहीं पे इसको लिख के रख लीजिए। ठीक है, अभी हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। ठीक है, ये देखिए अपने जो एड्रेस डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। सिक्योरिटी पिन हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा नाम वगैरह आ गया है। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन, जैसे जैसे पूछेगा ये आपको वैसे वैसे ये पूरा फिल कर लेना है। ठीक है, कैटेगरी जो भी आपका कैटेगरी है
कैटेगरी डालना है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी अगर ऐसा कुछ डालते हो तो मेक श्योर कि आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो आप लेटर स्टेज में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर आपको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा या फिर नहीं बनने वाला है, आप डाउटफुल हो, तो जनरली डालिए। सब कैटेगरी जो है वो नॉट एप्लीकेबल रहेगी। आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर प्रोविजन ऑफ, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नो। एनुअल फैमिली इनकम, जो भी आपके एनुअल फैमिली इनकम है वो आपको डालनी है यहाँ पे। इफ़ यू आर फ्रॉम यू नो कश्मीरी हिंदू फैमिलीज और यू नो लिविंग इन कश्मीर वगैरह, अगर वहाँ वो उस पर्टिकुलर साइड से हो अगर आप, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। 12th पास हो, कहाँ से पास हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, टाउन और सिटी। ठीक है, आप अपने गांव में आपने 12th की थी या फिर अपने सिटी में या फिर मुंबई पुणे वगैरह सिटी में आपने 12th कंप्लीट की है, वैसे आपको मैं डाल देनी है। आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो 12th क्लास में एक जो इंग्लिश सब्जेक्ट वो था या नहीं था वो आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि आपका जो 12th में एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 12th क्लास टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन। आपने जो 12th किया था वो जो आपका जो स्कूल था या फिर जो कॉलेज था वो इसमें से किस कैटेगरी में आता है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, प्राइवेट अनएडेड, एकलव्य या फिर ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग किया है, तो अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो अदर्स में डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आपको गवर्नमेंट स्कूल डालना है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट हो या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट आपका स्कूल था तो प्राइवेट अनएडेड डाल देना है। ठीक है, अगर आप विलेज साइड से हो यू नो तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया से हो तो केंद्रीय विद्यालय। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को अगर पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, सो विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट एज वेल। फिर से आपको पिन डालना है एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका आधार, डू यू हैव आधार नंबर। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड नंबर है या फिर नहीं है, तो आपका आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपको यस करना है। यस, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए आपको फिर से ऑप्शंस दिए, जो ऑप्शंस दिए, जो आपका आधार कार्ड नाम है, आधार कार्ड पे ऊपर आपका जो नाम, आपका जो जेंडर है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने जो यहाँ पे मेंशन किया है ये और आपके आधार कार्ड पे जो है वो दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई आपका अगर गैप होता है या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो नहीं है तो फिर यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर सब कुछ सही है, इसलिए मैंने बताया था आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है इनिशियली। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ सारा सेम है, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म करोगे, आप डालते हो यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट करोगे वो चेक करेगा। ठीक है, आधार कार्ड का डिटेल्स हो गया, तो आधार कार्ड आपने नंबर डालने के बाद जब आप उसको आगे करते हो तो वो वेरीफाई कर लेता है कि आपका जो जो डिटेल्स आपने डाला है उसका वो डिटेल्स और आपके आधार कार्ड का डिटेल्स मैच हो गया है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन ऐसे इस तरीके से आपको लिखा होता है कि आधार ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, तो आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपके देखिए अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आपको जो प्रेफरेंस सिटी है, एग्जामिनेशन आपको कौन से पर्टिकुलर सिटी में देनी है, आपके नियर बाई सिटीज आपको प्रेफरेंस से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी NCHM CET का एग्जाम, एक ही एग्जाम यहाँ पे दिखेगा। लैंग्वेज कौन सा आप सेलेक्ट करते हो, लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे इंग्लिश हमने कर दिया अभी, तो फर्स्ट सिटी कौन सी है। इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र देन आपको पहले महाराष्ट्र डालना है, एंड देन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र के जो सिटीज़ में जो सेंटर्स अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर किसी और स्टेट से हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ पे आपके सेंटर्स अवेलेबल है यहाँ पे देखिए वो सेंटर्स आपके जो एरिया के नियर बाई है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र डालते हैं, मैंने फर्स्ट मुंबई सेलेक्ट कर लिया, देन अगेन महाराष्ट्र डालना है आपको, एंड जो भी नेक्स्ट है आपका वो आपको डाल देना है। हमने चार जो प्रेफरेंसेस थे वो सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, फादर जो ऑक्यूपेंसी क्या है, अगर आप जॉब करते हैं आपके डैड गवर्नमेंट जॉब है, जो भी इसमें से आपका जो अप्रोप्रिएट होगा वो आपको डालना है। ठीक है, क्या आपके जो पेरेंट्स है गार्डियन है वो यू नो इलिटरेट है, मेट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, कितने उनके एजुकेशन कितनी हुई है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मदर का यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपको डालना है, अदर्स ऑप्शन आएगा इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पे पिन डालना है एंड इसको सबमिट कर देना है। यस,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके 10th एंड 12th के जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे आपको पुट करना है, जैसे कि पास थे, कौन से ईयर में आप पास हुए हो वो आपको यहाँ पे डालना है, कौन से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च करके आपको पता यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो मार्कशीट है वो भी आप साथ में रखिए, हैंडी रखिए, ताकि आपको पता रहे आपका जो मार्क्स था वो CGPA था या फिर परसेंटेज था। डायरेक्टली अगर नंबर दिए हुए हैं, परसेंटेज दिए हुए हैं, तो परसेंटेज ही सेलेक्ट करना है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं, ओवरऑल जो लास्ट में एट द एंड ऑफ द दिया होगा वो डालना है, टोटल मार्क्स आउट ऑफ कितने आए हैं। तो जब आप यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 500, ठीक है, ऑप्टेन आपको 400 हुए, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। अगेन देन 12th का जब डालोगे आप, पास हो, अगर आप 12th पास हो गए हो तो पास डालना है, अगर आप अभी भी 12th में अपियरिंग हो तो आपको अपियरिंग डालना है, ठीक है। अपियरिंग डालोगे तो यहाँ पे मार्क्स वगैरह आपको कुछ नहीं पूछेगा, आपको पास डालोगे आपको जो मार्क्स वगैरह है वो भी आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। ईयर आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है, ईयर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट पे जो ईयर मेंशन है, आप कौन से ईयर में पास हुए थे वो आपको मेंशन करना है। आपको अगेन यूनिवर्सिटी, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने दिया है, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको फिर से मार्क्स आ गए, अगेन आपको जो भी आपके आउट ऑफ मार्क्स थे वो आपके आपको डाल देने हैं, ठीक है। देखिए आपने दोनों डाल दिए, परसेंटेज ने ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लिए। आपको अगेन सिक्योरिटी डाल देनी है, सिक्योरिटी पिन डाल देनी है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन आया है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो फोटोग्राफ की साइज वगैरह है वो आपको सेलेक्ट करके पहले से ही सेव रखनी है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप इसको चूज करते हो, अगर आपका वो जो KB साइज है, KB साइज में नहीं होगा तो वो नहीं होगा अपलोड, ठीक है। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो यहाँ पे इन्होंने साइज मेंशन की है आपका उसी साइज में होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे आप जो अपने फोटोग्राफ की साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हो। आपके क्रोम में भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको उसको साइज को मेंटेन कर सकते हो कि कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है। तो आप अपने कैमरे से उसको स्कैन कर लीजिए, एंड देन जो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह है इस पे आप अपनी साइज़ को एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे, कौन से एप्लीकेशंस आपको अगर नहीं मिलता है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, विल ट्राई टू गिव यू इन रेफरेंसेस, ठीक है। जब आप ये दोनों अपलोड कर लोगे, यहाँ पे एक्शन बटन में जैसे भी आया था अपलोड का ऑप्शन, अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपका जो है ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल सबमिट करते समय आपको पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो देन यू हैव टू वेट फॉर द अपडेट। तो ये देख सकते हो, जैसे अगर आप साइन जो अपना अपलोड कर लेते हो, अपलोड करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड आता है, अपलोडेड आ गया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है, सेव हो गया है आपके जो एप्लीकेशन में वो सेव हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो गए हैं, राइट। सो अब ये अपलोड होने के बाद अगेन आपको जो सिक्योरिटी पिन है वो डालनी है। देखिए ये फाइनल सबमिट करने के बाद अगेन आपको एक बार पूरा वेरीफाई करना है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं वो सब सही थे, ठीक है। पूरा टिक मार्क करना है आपको वन बाय वन एवरीथिंग। अग्री करोगे, फाइनल सबमिट, ओके। सो फॉर फाइनल सबमिट के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है हो गया है, अभी फी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट है। फी पेमेंट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पहले आपका ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट करके उसको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है गाइस। सो आपका ये जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो सारा चीज़ें वेरीफाई हो चुका है, सब डिटेल्स आपने भर लिए, उसके बाद आपको पेमेंट करके उसको फिल कर देना है। तो देखिए गाइस आपने सारे जो है डिटेल्स फिल कर ली है, अभी सिर्फ फी पेमेंट बाकी है। फी करने के बाद आपका जो सब एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा गाइज आपको किसी भी अगर फॉर्म भरते टाइम कोई भी पर्टिकुलर आपको इशू आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, विल यू नो ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड यस गाइज, हमारे जो होटल मैनेजमेंट के जो न्यू बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। सो काइंडली कनेक्ट विद 8828581455 टू नो मोर अबाउट द बैचेस। आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो एंड नो एनरोल इन आर न्यू पर्टिकुलर बैच। ऑल्सो काइंडली सब्सक्राइब टू मैनेजर होटल मैनेजमेंट चैनल, जहाँ पे हम वीडियो डालते हैं स्पेसिफिकली फॉर होटल मैनेजमेंट प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन, एग्जाम अपडेट, स्ट्रेटजी एक्सेट्रा। सो काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू आर नियर बाय टू दिस सेंटर्स, ऑल्सो विजिट आर सेंटर्स वसई दादर बोरीवली, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर।
ऑल्सो वी ऑल्सो हैव वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, मेंटरशिप, स्ट्रेटेजी एंड ऑल. सो आप हमारी वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हो, विच इज़ manuelaedu.com. थैंक यू सो मच गाइज, एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो.